हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। यह आपको 10 अंक में दी गई है। तो आइए यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस का आंसर बी नंबर का होगा, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन होगा, इसके बाद तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसके बाद यहाँ पर चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन होगा, इसके बाद पाँचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन होगा, इसके बाद यहाँ पर छठे प्रश्न का जो उत्तर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसके बाद सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कंप्यूटर्स। इसके बाद नौवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रिवील्ड हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दसवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात कॉम्प्लेक्स इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में आपको इस प्रकार से रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट आल्सो गिवन अ सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं अर्थात नोट्स मेकिंग समरी देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर एक के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके क्वेश्चन नंबर टू के आंसर हो जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइटल लिखना है, फिर इसके बाद आपको इस प्रकार से नोट्स लिखना है। तो इस प्रकार से नोट्स हो जाएंगे, इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाकर नोट्स लिखना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है, यह आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन के अथवा वाले क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन सेव ट्रीज सेव अर्थ। तो इस प्रकार से आप इस पोस्टर को बना सकते हैं। यह आपको चार अंक में पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक बनाना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। तो इस प्रकार से आप इस पोस्टर को बना सकते हैं। यह आपके प्रश्नांक तीन के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस पोस्टर को आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर में आपको एक एप्लीकेशन पूछी गई है, यहाँ पर लाउड स्पीकर के लिए यहाँ पर आपको कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर नाम दिया गया है यहाँ पर आपको नाम लिखना है और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस एप्लीकेशन को आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको चार अंक में पूछी गई है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो यहाँ पर हम सी नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो यहाँ पर हम इसका आर्टिकल देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर यहाँ पर इस प्रकार से कम 200 शब्दों में आपको आर्टिकल लिखना है। तो इस प्रकार से कम तीन या चार पॉइंटों को आप अच्छे से लिख लें। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी में आपको ग्रामर पूछी गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन आर्टिकल आएगा। इसके बाद जो दूसरे खालिस्तान का जो आंसर होगा यहाँ पर आपको एज भर देना है, इसके बाद तीसरे खालिस्तान में आपको यहाँ पर एट भर देना है।
इसके बाद यहाँ पर चौथे खाली स्थान में आपको एनी भरना है। पांचवें खाली स्थान का आंसर यहाँ पर देन हो जाएगा। छठवें खाली स्थान का आंसर यहाँ पर कैन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 डू एज डायरेक्टेड एनी 5, तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 में जो कि आपको डू एज डायरेक्ट पूछे गए हैं, इस प्रकार से आपको इनमें से आपको कोई 5 लिखना है। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से आपको इस प्रकार से अनसीन पैसेज पूछी गई हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर होगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन होगा। तीसरे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवें क्वेश्चंस का जो आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के ए वाले क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से पोएम एक्सटेट पूछी गई है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस का आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपको केवल 3 ही अंक में पूछी गई है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो बी नंबर का क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको रीड द एक्सटेट गिवन बेलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो यह आपको 4 अंक में पूछी गई है। तो यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखें वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के बी वाले क्वेश्चन में जो कि आपको अनसीन पैसेज पूछी गई है, यहाँ पर पहले क्वेश्चंस का आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर सी नंबर का होगा, तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी नंबर का होगा और चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ए नंबर का होगा। और बाकी यहाँ पर प्रश्नांक 10 से लेकर प्रश्नांक 15 तक के सभी प्रश्नों के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।